Hi guys and welcome to my channel Currency Universe. तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कनाडा की करेंसी कैसा है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कनाडा की करेंसी कैसा है. कनेडियन की करेंसी जो है ना वो है कनेडियन डॉलर्स. और एक कनेडियन डॉलर इंडिया के ऑलमोस्ट 53 के और 54 रुपए के बराबर है. मतलब एक कनेडिया के अगर आप डॉलर्स दोगे इंडिया पे तो आपको 53-54 रुपीस के अंदर इंडियन रुपीस मिलेंगे. तो जो ये कनाडा के नोट्स है उसको देखने से पहले थोड़ा एक दो चीज बता देता हूँ डॉलर्स के बारे में. ये जो कनेडियन डॉलर्स है ना ये वर्ल्ड के मतलब 2% जो टोटल रिजर्व है सब कंट्रीज में, तो कनेडियन डॉलर्स 2% है मतलब पूरा वर्ल्ड के जो कंबाइंड मतलब फॉरेन एक्सचेंज है. तो दोस्तों ये जो कैनेडियन डॉलर्स है वो फिफ्थ मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज इन द वर्ल्ड है. तो पहला जो है ऑब्वियसली वो यूएस डॉलर्स है, सेकंड है आपका यूरो, थर्ड है येन, फोर्थ है पाउंड स्टर्लिंग और फिफ्थ है कैनेडियन डॉलर्स. तो ये बहुत ही एक वैल्यूएबल करेंसी है और बहुत ही मतलब एक्सचेंजेबल करेंसी. आप हर जगह इसको एक्सचेंज कर सकते हो क्योंकि इस करेंसी में मतलब सारे इन्वेस्टर्स के पास मतलब ट्रस्ट है इस कैनेडा के गवर्नमेंट के साथ. तो अभी चलिए देखते हैं कैनेडिया के डॉलर्स के नोट्स और कॉइंस कैसे हैं. तो दोस्तों कनाडा के जो नोट्स है वो $100 की नोट है, $50 की नोट है, $20 की नोट है, $10 की नोट है और $5 की नोट है. उसके बाद आते हैं कॉइंस. कॉइंस जो है वो $2 की कॉइन है, $1 की कॉइन है. उसके बाद आते हैं सेंट्स जो कि 50 सेंट की कॉइन, 25 सेंट की कॉइन और उसके बाद आते हैं 10 सेंट की कॉइन. तो ये रहा सारे मतलब कॉइंस और जो नोट्स है उसके बारे में मैं आपको बताया. और फ्रेंड्स ये जो कनाडा के $100 नोट है वो बहुत ही रेयरली यूज है, ज्यादा यूज नहीं होते क्योंकि हाई वैल्यू करेंसी और बहुत कम यूज होते हैं, रेयरली यूज होते हैं. तो मेनली जो नोट्स यूज होते हैं वो ना वो $50 की नोट, $20 की नोट, $10 और $5 की नोट, ये नोट्स ही मतलब सबसे ज्यादा यूज होते हैं. तो अभी पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो कनाडा के $100 की नोट है वो पहले देख लेते हैं. देखिए चलिए, तो ये रहा कनाडा के $100 की नोट. तो ये रहा कनाडा के $100 की नोट, ये बहुत रेयरली यूज है. ये लाइट ब्राउनिश कलर का टाइप का ये नोट है और इसका फोटो जो है यो सर रॉबर्ट बॉर्डन की है जो 8th प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा की. और ये $100 नोट की वैल्यू है यूएस में $71, इंडिया में 5400 रुपीज, पाकिस्तान में 11500 पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश में 6100 टका और नेपाल में 8600 नेपाली रुपी. तो दोस्तों ये $100 की नोट देखने के बाद अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कनाडा के $50 की नोट कैसा है. तो ये रहा देखिए कनाडा के $50 नोट कैसा है. तो ये रहा कनाडा के $50 की नोट जो कि थोड़ा वाटरमेलन टाइप की कलर की है और फ्रंट साइड में आप देख सकते हो विलियम लियोन मैकेंजी जो कि एक कैनेडियन जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन थे, उनका फोटो है. और अभी आप बैक साइड में देख सकते हो एक रिसर्च आइस ब्रेकर की मतलब फोटो है जो एक कैनेडियन रिसर्च शिप थी आर्कटिक रीजन में. और ये 50 कैनेडियन डॉलर्स की वैल्यू है यूएस में $35, इंडिया में 2700 रुपीस, पाकिस्तान में 5750 रुपीस, बांग्लादेश में 3050 टका और नेपाल में 4300 नेपालीज रुपी. तो दोस्तों कनाडा के $50 नोट में आपको दिखाया, अभी देखते हैं चलिए कनाडा के नेक्स्ट नोट जो है नीचे वाला वो है $20 की नोट. चलिए $20 नोट कैसा है देखते हैं. और ये रहा कनाडा के $20 की नोट. तो ये रहा कनाडा के $20 की नोट, ये ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की और ये पॉलीमर नोट है और इसमें क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है या बीच में एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप है जो ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर का टाइप ही है ये. तो ये लाइट ग्रीन है और क्वीन एलिजाबेथ का फोटो है. ये पॉलीमर नोट बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने के लिए. और इस नोट की वैल्यू है यूएस में $14, इंडिया में ₹1100, पाकिस्तान में 2300 पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश में 1200 बांग्लादेशी टाका और नेपाल में 1700 नेपाली रुपी. और दोस्तों अभी देखते हैं कनाडा के उसके नीचे वाला नोट जो है $10 की नोट. और ये रहा $10 की नोट कनाडा की. तो ये रहा कनाडा की $10 की नोट, ये इंडिगो कलर की है और यहाँ पे जो फोटो है वो है जॉन ए मैकडोनल्ड जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा थे, इनफैक्ट वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा की. तो ये रहा फ्रंट साइड आप देख सकते हो. और अभी जो बैक साइड में देख रहे हो वो है द कैनेडियन, एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल पैसेंजर ट्रेन जो मॉन्ट्रियल के माउंटेन से आते थे. तो ये बैक साइड हो गया, ये बहुत ही सुंदर है, ये भी वो एक पॉलीमर कलर का नोट है. और ये 10 कैनेडियन डॉलर की नोट की वैल्यू है यूएस में $7, इंडिया में 550 रुपए, पाकिस्तान में 1150 पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश में 600 बांग्लादेशी टका और नेपाल में 850 नेपाली रुपी. दोस्तों अभी $10 नोट देख लिया आपने और अभी देखते हैं इसके नीचे वाला नोट वो जो है $5 की नोट. तो ये रहा कनाडा के $5 नोट कैसा है. तो ये रहा कनाडा के $5 की नोट, ये भी स्लाइट ब्लूइश कलर टाइप की है और ये फ्रंट पे आप देख सकते हो सर विल्फ्रेड लॉरियल की फोटो. सर विल्फ्रेड लॉरियल जो थे वो कनाडा के 7th प्राइम मिनिस्टर थे. तो ये भी नोट पॉलीमर की है, यहाँ पे भी एक बीच में प्लास्टिक स्ट्रिप है जैसे आप देख रहे हो और ये भी बहुत एक सुंदर नोट है.
और ये पीछे जो आप देख सकते हो ये कनाडा के स्पेस रिलेटेड थिंग्स से एक मल्टीफंक्शन रोबोटिक आर्म की फोटो है और एक एस्ट्रोनॉट की इमेज है। तो ये रहा $5 कनाडा की। और ये $5 कैनेडियन नोट की वैल्यू है यूएस में $4, इंडिया में 275 इंडियन रुपी, पाकिस्तान में 575 पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेश में 300 बांग्लादेशी टाका और नेपाल में 425 नेपाली रुपी। तो फ्रेंड्स ये सारे नोट्स में आपको दिखाया कनाडा के जो नोट्स था, $100 की नोट, $50 की नोट, $20 की नोट, $10 की नोट, $5 की नोट। अभी नेक्स्ट जो है वो कॉइन्स, तो कॉइन्स देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला सबसे बड़ी वाली कॉइन जो है ना वो है $2 की कॉइन, और ये रहा $2 की कॉइन कनाडा की। तो ये रहा कनाडा के $2 की कॉइन, इसको टूनी भी कहते हैं क्योंकि पोलर बेयर है और इसको मतलब कोई कोई लोग इसको टूनी भी कहते हैं। दोस्तों $2 की कॉइन आपको देख चुका कैसा है, अभी देखते हैं $1 की कॉइन कैसा है। चलिए देखते हैं $1 की कॉइन। तो ये रहा कनाडा की $1 की कॉइन और इसको लूनी भी कहते हैं $1 को। तो ये $1 कॉइन के बाहर आते हैं सेम्स, जो सेम्स है उसके मतलब $1 के नीचे आते हैं वो है 50 सेंट की कॉइन। तो ये रहा 50 सेंट की कॉइन कनाडा की। तो ये रहा 50 सेंट की कॉइन और यहाँ पे एक साइड में क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड की फोटो है। और दोस्तों इसके बाद 50 सेंट के बाद 25 सेंट की कॉइन, ये रहा 25 सेंट की कॉइन कनाडा की। तो ये 25 सेंट की कॉइन में एक साइड में क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है और एक साइड में एक डियर की फोटो है। और उसके बाद दोस्तों 10 सेंट की कॉइन जो, और ये रहा 10 सेंट की कॉइन कनाडा की। और 10 सेंट के कॉइन में एक साइड में क्वीन एलिजाबेथ का इमेज है और एक साइड में एक शिप की इमेज है। और दोस्तों अभी देखते हैं सबसे छोटी वाली कॉइन कनाडा की जो है 5 सेंट की कॉइन, और ये रहा 5 सेंट की कॉइन कनाडा की। और सबसे छोटी वाली कॉइन, इसमें भी क्वीन एलिजाबेथ की फोटो है और एक शायद सील या ऐसा टाइप कुछ की इमेज है। तो दोस्तों ये रहा, मैं आपको कनाडा के सारे करेंसी भी दिखाया आपको, जो कॉइन्स था कॉइन्स दिखाया आपको, उसके पहले नोट्स दिखाया। तो उम्मीद आपको इस वीडियो को अच्छा लगा और आपको कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कमेंट में डाल लीजिए, पूछिए मुझे क्या पूछना है, मैं वो जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने के लिए ट्राई करूंगा। और आप मुझे फेसबुक में भी मैसेज कर सकते हो, जो कि मेरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/currencyuniverse। और मैं इंस्टाग्राम में भी, उसमें भी बहुत सारे फोटोज दूंगा, उसका भी लिंक है instagram.com/currencyuniverse। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कीजिए ताकि और आपको करेंसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बताइए, और आपको नेक्स्ट कौन सा करेंसी आप दिखना पसंद करोगे वो बताइए, मैं जितना जल्दी हो सके मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मैं जल्दी से वापस आऊंगा और एक नए वीडियो के साथ और एक नए करेंसी के साथ। तो अटिल देन अपना ख्याल जरूर रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।